हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल। भूगोल के अंदर हमने भारत एक परिचय करके टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसका दो वीडियो पहले जा चुका है, अपलोड हो चुका है, तो उसको आप लोग पहले जरूर देखिए। उसके बाद आज तीसरा वीडियो और या लास्ट वीडियो रहेगा भारत एक परिचय का, इसके बाद यह टॉपिक खत्म होगा। तो जो हमने दो वीडियो में पढ़ा था उसको रिपीटली जो है एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। जैसे हम बताए थे आपको भारत एक परिचय के बारे में कि भारत क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो है राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, है ना। तो उसका एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं जल्दी से एक मिनट में, उसके बाद आज के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो 3214 है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो 2933 है। भारत जो है भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस तरह से इन सब सभी टॉपिकों को जो है हमने पढ़ा था, और आइए आज हम लोग भारत के भौगोलिक स्थिति को आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वह है कि भारत का 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड क्या होता है भाई? तो वैसा राज्य या वैसा जगह जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध या इंग्लिश में लैंड लॉक्ड। तो ये समझ गए। तो भारत का कितने राज्य? 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, वह है आपका NCR, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, NCR, है ना। दिल्ली में आप लोग सुनते होंगे दिल्ली NCR, तो वही जो है NCR वाला क्षेत्र है। इसमें जो है कई राज्यों के मतलब जिले को मिला करके एक क्षेत्र बनाया गया है NCR, ठीक है। जैसे हरियाणा, हरियाणा का जो है 13 जिले इसमें सम्मिलित है NCR में, उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित है, और राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर जिला जो है NCR के अंतर्गत आता है। अब लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि आपको लगता होगा कि ये सारी राज्य जो NCR में जो जिले आते हैं, है ना, इनमें से सभी राज्य दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा साझा नहीं करता है, फिर भी उसके 2 जिले अलवर और भरतपुर दिल्ली NCR के अंतर्गत आते हैं, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पड़ोसी देश, यानी कि भारत के जो है आसपास के कौन कौन से देश आते हैं, जल के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं, स्थल के साथ कितने जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की संख्या की बात करेंगे तो हो जाएंगे आपके 9। कितने हो जाएंगे? 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 जो है स्थल के साथ जुड़ा हुआ है और 2 जो है जल के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको अभी हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से देखेंगे। ये तो हो गया भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। उसके बाद भारत के 16 राज्य, यानी कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा बनाती है। मतलब भारत का जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दूसरे देशों के सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉर्डर बनाते हैं, क्लियर हो गया यह पॉइंट आपका। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ पे जनसंख्या मिस हो गया, जनसंख्या भी लिख लीजिएगा लोग। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्लियर है। अब हमने अभी बताया था कि भारत के जो है 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थल के साथ जुड़े हुए हैं और 2 जल के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जल की बात करेंगे कौन कौन से 2 देश हैं, तो वह हो जाएंगे आपका श्रीलंका और मालदीव, क्लियर है। श्रीलंका और मालदीव जो कि जलीय सीमा बनाते हैं, और बाकी जो 7 देश हैं उनके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करते हैं कि वह कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, कितने राज्यों के साथ सटे हुए हैं, कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, और भारत के वे किस दिशा के अंतर्गत, किस दिशा के अंतर्गत जो है वे आते हैं, यानी कि किस दिशा में जो है वे आते हैं। तो अगर हम सबसे पहला की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, जिसकी सीमा जो है टोटल 4096.7 किलोमीटर है, है ना। भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा कितना है? 4096.7।
अगर हम राज्यों की बात करेंगे कि कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश का सीमा बनता है, तो वह हो जाएंगे आपके 5 राज्य। आगे हम लोग देखेंगे 5 राज्य कौन कौन से है। अब बात आती है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के किस दिशा में जो है स्थित है, तो वह हो जाएगा आपके पूर्वी दिशा में। बांग्लादेश जो है भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। अब जो है हमने बताया था कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होता है, तो वह कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ जो है बांग्लादेश का सीमा बनता है। और यह जो डायग्राम बना हुआ है, इसको आपको एकदम रटना ही पड़ेगा, इसमें समझने वाली वो कोई बात नहीं है, बस समझने के लिए आप दिशा समझ सकते हैं, बाकी और सब चीज जो डेटा है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। दूसरा का बात करते हैं, वह है आपका चीन, जो कि 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और भी अभी जो है 5 राज्य से जुड़ा हुआ है। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, यानी कि यह यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अब हम बात करते हैं बकलोल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि यह भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और यह भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, क्लियर है। उसके बाद चौथा जो हमारा देश है वह हो जाएगा नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और यह भी जो है 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, और यह जो है उत्तर दिशा में स्थित है भारत के। नेपाल किस दिशा में स्थित है? उत्तर में है। उसके बाद अगर राज्य की बात करेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, क्लियर है। पांचवा जो हमारा देश है वह है आपको म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है ना। उसके बाद यह जो है 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, और यह भारत के पूर्व में स्थित है, और जो राज्य के साथ सीमा बनाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और छठा जो हमारा देश है वह है आपका भूटान, जो कि 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है, और यह भी 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह कौन कौन से हो जाएंगे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हो गए भूटान के साथ, जो कि अभी उत्तर दिशा में स्थित है भारत के। और आखिरी जो देश है वह है आपका अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और यह एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, वह है आपका लद्दाख, और यह भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में जो है स्थित है। तो अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत का जो है सबसे लंबा सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो है आपका बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर, और भारत का सबसे कम सीमा रेखा वाला देश जो होगा वह हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, जो कि मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चलिए जब अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो होंगे प्रमुख चैनल जल संधि या जल डमरू मध, यानी कि जल संधि क्या होता है, प्रमुख चैनल क्या होता है। तो यह जो है दो स्थानों को बांटने वाला जो रेखा होता है या जो स्थान होता है उसको हम लोग जल संधि या चैनल कहते हैं, समझ गए। इसमें जो आता है पहला वह है बाबू 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव और मिनिका है, भारत का है, तो मालदीव और मिनिका को अलग करता है। प्रश्न हमेशा इससे जो है आते हैं, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिका को, ठीक है। दूसरा जो है वह है हमारा 9 डिग्री चैनल, यह किसको अलग करता है? तो मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तीसरा जो है वह है हमारा 6 डिग्री चैनल, जो कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, यानी कि सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग कौन करता है? 6 डिग्री चैनल अलग करता है। अब हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल का, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। देखिए अंडमान निकोबार हम लोग कहते हैं, वास्तव में दोनों अलग अलग है, और ये जो है दोनों को मिला करके हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, है ना। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग किया? अंडमान और निकोबार को अलग किया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है ग्रेट चैनल, वह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है, क्लियर है।
उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट बात करेंगे वह है पाक जल संधि, यह भारत और श्रीलंका। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पाक जल संधि, तो लगता है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, लेकिन यह भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो यह कंफ्यूजन नहीं लाना है, बस इसका नाम है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। सातवां जो है हमारा वो है कोको जल संधि, अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का द्वीप है, कोको द्वीप है ना, इसको अलग करता है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश है और उनके साथ जो बॉर्डर बना हुआ है उस रेखा का, उस लाइन का भी कुछ ना कुछ नाम है ना। तो आइए देखते हैं कि किन देशों के साथ जो है कौन सी रेखा बना रेखा नाम है ना। तो इसमें जो है पहला हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा का नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। दूसरा जो है मैकमोहन रेखा, वो भारत और चीन के बीच में जो है स्थित है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। और तीसरा जो है डुरंड रेखा, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है, लेकिन वर्तमान में जो है यह डुरंड रेखा पीओके में स्थित है, यानी कि पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, इसको हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो डुरंड रेखा कहाँ पे है? वर्तमान में भारत, वर्तमान में जो है पीओके में स्थित है। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कि भारत तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र जो कि अभी भी यूरोपीय कंपनियों का गुलाम था, यानी कि उस क्षेत्र पे जो यूरोपीय कंपनियों का दबदबा था, उनका शासन था, है ना। तो आइए उन सब क्षेत्रों को देख लेते हैं और उनको जो है कब भारत में मिलाया गया, वे कब स्वतंत्र हुए, उन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वह है विदेशी राज्य के अधीन क्षेत्र, यानी कि वही विदेशी के अधीन जो कौन कौन सा क्षेत्र था। इसमें दो दो विदेशी का नाम आता है, एक है पुर्तगाल और दूसरा है फ्रांस के अधीन क्षेत्र, यानी कि पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र और फ्रांस के अधीन क्षेत्र। इसमें जो पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र की बात करेंगे तो आ जाएगा दादर एवं नगर हवेली, जो कि 1954 में आजाद हुआ, भारत में मिलाया गया। उसके बाद जो आता है वह है दमन एवं दीव, यह भी यह जो है 1961 में जो है भारत के कब्जे में आया। उसके बाद तीसरा जो है गोवा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा प्रश्न आता है, गोवा जो है 1961 में भारत में सम्मिलित हुआ। उसके बाद अगर हम फ्रांस के अधीन क्षेत्र की बात करेंगे तो हो जाएंगे आपका चंद्रनगर, जो कि 1946 में जो है भारत के कब्जे में आया। उसके बाद जो है पुडुचेरी है, जो कि 1954 में आया, और पुडुचेरी का ही जो है तीन स्थान है जिसका चर्चा हमने कल के वीडियो में भी किया है, वह है कराईकल, माहे और यानम। यह सब जो कराईकल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि 1954 में भारत के क्षेत्र में आया। उसके बाद माहे जो है तमिलनाडु में स्थित है, यह भी 1954 में आया। और यानम जो कि केरल का जो है क्षेत्र है, जो कि 1954 में यह भी जो है भारत में सम्मिलित किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है ना। तो भारत से बड़े छह देश जरूर है, तो उन देशों को भी देख लेते हैं एक बार। तो भारत से जो है बड़े जो छह देश है वह हो जाएंगे सबसे पहले रूस, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस हो जाएगा। दूसरा जो है कनाडा आ जाएगा। तीसरा जो है यूएसए आ जाएगा, यानी कि अमेरिका आ जाएगा। उसके बाद चौथा जो है चीन आ जाएगा। पांचवा जो है ब्राजील आ जाएगा। छठा जो है ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और सातवां हमारा प्यारा भारत आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को भारत एक परिचय टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अगले वीडियो में ज्योग्राफी का कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।